ये है हमारे पास, दैट इज वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, हमको फ्लो प्रॉब्लम्स में इसको बहुत कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है। तो ये क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, हमारे पास अभी 5 मिनट है ठीक है। सो चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। वाह सर क्या बात बताई, ये तो हमको बचपन से पता थी, ये पता थी अच्छी बात है। वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कोई चीज जाती है, सो दैट विल बी द वेपराइजेशन, उस चीज का वेपर बन रहा है ठीक है ना। सो वेपराइजेशन विच डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन ठीक है ना, अकर्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द फ्री लिक्विड सर्फेस। जैसे अगर आप एक तपेले में पानी गर्म कर रहे हो ठीक है, चाय बना रहे हो ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, देन द जो मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे दे विल स्टार्ट स्केपिंग आउट, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, गैस इस फॉर्म में बन जाएंगे और वो लिक्विड सरफेस को छोड़ देंगे ठीक है ना। अब ये चीज बोल रहा है, कंसिडर अ लिक्विड से वाटर, एक पानी को कंसिडर करते हैं जो कि कन्फाइंड एक क्लोज्ड वेसल के अंदर, मतलब एक बकेट है और वो क्लोज्ड ऊपर से हमने ढक्कन लगा रखा है उसके अंदर है। लेट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज एटमोस्फेरिक। मान के चलो कि उसके ऊपर जो टेम्परेचर लग रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही है। द लिक्विड विल वेपराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमको पता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, तो वो क्या करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होगा। व्हेन वेपराइजेशन टेक्स प्लेस द मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, ठीक है भाई मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे। दीज मॉलिक्यूल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द स्पेस बिटवीन फ्री लिक्विड सर्फेस एंड द टॉप ऑफ वेसल। अगर मैं मेरे इस बकेट को गर्म करना चालू करूं और मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, मेरा ऊपर तो ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ मेरा पानी है, तो मेरे ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, यहाँ पे ढक्कन के नीचे चिपक के रह जाएंगे। क्योंकि अपन लोग देखते हैं मम्मी कभी सब्जी बनाती है तो देखना, जब ढक्कन निकालती है तो ढक्कन के नीचे से पूरा गीला गीला हो रहा होता है, वहां पर वो पानी क्या हो जाता है एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, बीच में भी होंगे एयर के अंदर भी होंगे, जिसे हम भाप कहते हैं ठीक है ना, अगर किसी और सेंस में कहूंगा तो वो कंडेंस होकर हो रहा है इसलिए ठीक है। सो द व्हेन वेपरेशन टेक प्लेस मॉलिक्यूल एस्केप होंगे और मॉलिक्यूल कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्पेस बिटवीन फ्री लिक्विड सरफेस एंड द टॉप ऑफ वेसल ठीक है ना, ऊपर ढक्कन और हमारे सरफेस के बीच में रहेंगे। दीज एक्यूमुलेटेड वेपर्स एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द लिक्विड। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है ना ये इतनी ज्यादा होगी कि ये पानी के ऊपर क्या करेगी, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी है ना, पानी के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी ठीक है। सो दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है ना वो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर खुद लगाती है ठीक है ना, ऑफ द लिक्विड, और दिस इज द प्रेशर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो यही लिक्विड ड्रॉपलेट्स फिर से प्रेशर लगाएगी इन पे और उसकी तरफ से और टेम्परेचर बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो वो वेपर प्रेशर जो हमारा चेंज ऑफ स्टेट की वजह से होता है उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं ना। तो ये तो एक कंडीशन इन्होंने अपन को कंसिडर करवाई, हम इसको साइड में रख देते हैं ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, अगेन कंसिडर द सेम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इन अ क्लोज वेसल। एक और हमने लिया वैसा का वैसा क्लोज वेसल का, उसी के अंदर पानी है और 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड सर्फेस इज रिड्यूस्ड बाय सम मींस द बॉइलिंग टेम्परेचर विल ऑल्सो रिड्यूस। इसको समझना, अगर मैं वैक्यूम प्रेशर से या किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट से क्या करता हूँ, जो ऊपर इसका प्रेशर है उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ। इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड इज रिड्यूस्ड बाय सम मीन, अगर यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है मैं किसी कारणवश इसको रिड्यूस कर देता हूँ, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर ले आता, मतलब हमारे पानी के ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं, समझ रहे हो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले क्या था, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो अपन को पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉइल करने की जरूरत पड़ रही थी, मतलब आपको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की ताकत देनी पड़ेगी तभी पानी एस्केप आउट हो रहा था पहले वाले केस ठीक है। अब क्योंकि ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, अब अगर हल्का सा भी गर्म करोगे पानी को तो पानी क्या हो जाएगा, बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा है ना, इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि अब ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, हमने रिड्यूस कर दिया किसी कारण से वो प्रेशर ठीक है ना, तो हमने रिड्यूस कर दिया, तो अब हल्का सा अगर अपन उसको हीट देंगे तो बबल्स उड़ने लग जाएंगे, मतलब कि बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो पहले 100 होना था वो हो सकता है 50 हो जाए या हो सकता है 60 हो जाए है ना। प्रेशर विल बी लाइक दिस, अगर किसी कारणवश अगर आप प्रेशर को रिड्यूस कर दो ऊपर की तरफ तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी रिड्यूस हो। नाउ If the pressure is reduced to such an extent that it becomes equal to or less than the vapor pressure, the boiling of the liquid will start, though the temperature of the liquid is still at 20 degrees Celsius. अगर किसी कारणवश मैं उस प्रेशर को और डिक्रीज करके वेपर प्रेशर के इक्वल में कर दूं, पानी का कुछ वेपर प्रेशर होगा रूम टेम्परेचर पे ठीक है ना, कुछ प्रीडिफाइंड होगा, हमने फिजिक्स साइंस में पढ़ा होगा, अगर मैं उस प्रेशर को रिड्यूस करके उस वेपर प्रेशर के इक्वल ले आऊं तो क्या होगा, पानी वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी खुद ब खुद बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है, टेम्परेचर पर मैंने छेड़छाड़ नहीं करी, समझ रहे हो इस चीज को है ना। तो
हो जाएगा अगर हम उसको कुछ इस तरीके से रिड्यूस करेंगे. द प्रेशर इज रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स इक्वल टू और लेस देन द वेपर प्रेशर. द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड विल स्टार्ट दो द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज स्टिल एट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, पानी अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस पे, पर अपन ने प्रेशर इतना कम कर दिया कि वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, और क्योंकि वेपर प्रेशर ही बॉइलिंग करेगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. डज द लिक्विड में बॉइल इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ठीक है, इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड सर्फेस इज रिड्यूस सो एज टू बी इक्वल देन द लेस और इक्वल टू और लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर. तो पानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी क्या हो सकता है, बॉइल हो सकता है. ठीक है, तो सर अब इसका हमारे क्या यूज है, कॉन्सेप्ट तुम समझिए, प्रिंसिपल तुम समझिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है और कैसे पानी बॉइल हो सकता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर. अब देखो, नाउ कंसीडर अ फ्लोइंग फ्लूइड इन अ सिस्टम. एक पाइप के अंदर पानी चल रहा है, जैसमंद रिजर्वोयर से लेट्स से उदयपुर के आपके हैबिटेंट में पानी आ रहा है. ठीक है, पाइप के अंदर पानी चल रहा है. इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लोइंग लिक्विड बिकम्स इक्वल टू और लेस देन द वेपर प्रेशर, द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट. अगर किसी कारणवश पाइप में कहीं पे भी एक रिलीज वाल्व नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है कहीं पे क्या हो, प्रेशर आपका कम हो जाए. और प्रेशर आपका कहाँ पे पहुंच जाएगा, लेट्स से वेपर प्रेशर पे अगर पहुंच जाता है तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, गर्म होना चालू हो जाएगा पाइप के अंदर ही, और बबल्स बनने लग जाएंगे. ठीक है ना, तो द बबल्स ऑफ दिस वाटर वेपर्स आर कैरिड बाय द फ्लोइंग लिक्विड इन द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर. अब जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे ये बबल्स जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये फूटेंगे. ठीक है ना, तो वहां जाके वेयर दे कोलैप्स एंड गिव राइज टू हाई इंपैक्ट प्रेशर. जैसे ये गरम गरम बबल्स जाके वहां टकराएंगे तो वहां पे और हाई इंपैक्ट प्रेशर जनरेट होगा. ठीक है ना, हाई टेम्परेचर होगा. तो द प्रेशर डेवलप बाय द कोलैप्सिंग बबल इज सो हाई दैट द मटेरियल फ्रॉम द एडजॉइनिंग बाउंड्री गेट इरोडेड एंड कैविटीज आर फॉर्मड ऑन देम. तो पानी जैसे गरम गरम जाके बबल टकराएंगे फूटेंगे तो वहां पे प्रेशर लगेगा. और अगर आप जैसे कास्ट आयरन का पाइप है तो कास्ट आयरन का पाइप इरोड होना स्टार्ट होगा, खजना स्टार्ट होने लग जाएगा. ठीक है, और उस पर कैविटीज बन जाएगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज कैविटेशन. इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन. तो ये हमारे लिए एज अ सिविल इंजीनियर घाटा है. और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करो तो उनके लिए भी, अगर वो कोई पाइपिंग सिस्टम बना रहे हैं तो वहां पे भी ये दिक्कत है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैविटेशन. तो कैविटेशन फेनोमेना क्या हो गया, इज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड इन अ रीजन वेयर द प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर एंड सडन कोलैप्सिंग ऑफ दिस वेपर प्रेशर इन रीजन ऑफ हायर. ठीक है, तो जैसे वो कोलैप्स होंगे वहां पे कैविटीज फॉर्म होगी एंड हेंस दिस कंडीशन विल बी नोन एज कैविटेशन. ओके, इतना सिंपल था. एक तो वेपर प्रेशर पढ़ लिया हमने और एक पढ़ लिया हमने कैविटेशन. वेपर प्रेशर क्या था, ये वो प्रेशर था जहां पे हमारा लिक्विड क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज करने लगता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. कैविटेशन क्या था, ये वो प्रोसेस होता है जहां पे हमारे जो बबल्स बन रहे हैं वो जाके हिट करेंगे वॉल को, तो वॉल पे प्रेशर लगेगा और उसकी वजह से वहां पे इरोजन स्टार्ट हो सकता है और उसकी लाइफ कम हो सकती है. ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देख लेना तुम लोग. ठीक है, यू विल गेट टू नो कि क्या कॉन्सेप्ट है.